साहब जीतेंगे तभी ना कर पाएंगे। अब बीजेपी में उस हमें कहते हैं कि साहब आपने लोकसभा के वक्त वादा किया था कि खटाखट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्यों नहीं आ रहे? अरे हम सरकार में आएंगे तभी ना कर पाएंगे। इतनी अकल बीजेपी नहीं लगाती देखिए, और वो सोचते हैं कि लोग भी मूर्ख हैं। लोग नहीं मूर्ख हैं, लोग समझते हैं कि जो सरकार में आता है वही ना अपना घोषणा पत्र लागू कर सकता है। सरकार में बीजेपी आए तो हम अपना घोषणा पत्र कैसे लागू करेंगे? हरियाणा में करेंगे क्योंकि सरकार में आ रहे हैं। आपने किसान की बात की, किसान हो, जवान हो, पहलवान हो, तीनों भारतीय जनता पार्टी से नाराज, नाराज नहीं क्रोधित हैं, दुखी हैं, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। बॉर्डर भी खुल लेंगे, किसानों का हक भी मिलेगा। ये पहली ऐसी पार्टी मैंने देखी, अब मैं जवानों पे पहलवानों पे आता हूं, कि अगर ओलंपिक में मेडल नहीं मिला तो खुशियां मना रहे थे। बताइए ऐसे ऐसी देशद्रोही पार्टी मैंने नहीं देखी कभी। सोशल मीडिया पे खुशियां मना रहे थे कि अरे नहीं मिला देखो मेडल, जब हम सब दुखी थे, हमारे में से कुछ लोगों के आंखों में आंसू थे, तब ये खुशियां मना रहे। अग्निवीर लाकर जो जवानों के साथ इन्होंने किया, साल के 5,000 जवान हरियाणा से भर्ती होते थे फौज में अग्निवीर से पहले, आज वो आंकड़ा 225 का है। ये किया है हरियाणा के जवान के साथ। तो जवान, पहलवान और किसान, ये तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतना तेज बटन दबाने वाले हैं कि आवाज दिल्ली तक जाएगी। बिल्कुल ठीक। कौन है, कौन है इलेक्शन लड़ रहे हैं? लीडर हैं। हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो वो लीडर तो नहीं है खैर, लेकिन ट्विटर पे मैं देखता रहता हूँ कभी कभी, वो सबसे ज्यादा झूठ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर पे बोलता, लीडर तो भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलते ही हैं, तो वो उनमें से है क्या? उनकी बातों को भी आप गंभीरता से ले रहे हो तो साहब। पहले आप बताओ फिर शर्त लगाते। मैं मानता हूं कि 65 के आसपास है, मेरा ये भरोसा है, और मैं ऐसे नहीं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं भी कुछ आप जहां बोलोगे नहीं, आंकड़े जो हमारे इंटरनल है मैं वो थोड़े बहुत साझा कर रहा हूं, लेकिन 5-7 दिन बाद बात करें इस पर तो ज्यादा अच्छा। अभी सेटल हो रहा है चुनाव, चाहे।